खबर आजमगढ़ जनपद के लालगंज से है, जहां प्लास्टिक प्रदूषण के साथ ही ध्वनि प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, न मानने वालों पर सख्ती की जाए। ध्वनि प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए समर बहादुर सिंह विजय प्रकाश पांडे ने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण से आने वाले दिनों में समस्या बढ़ेगी, लेकिन ध्वनि प्रदूषण से लोग परेशान हैं। आए दिन ध्वनि प्रदूषण को लेकर मारपीट हो जा रही है, जिससे कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। आम जनमानस व कानून व्यवस्था के लिए ध्वनि प्रदूषण सिरदर्द बना हुआ है। न्यायालयों द्वारा ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आए दिन आदेश पारित किए जा रहे हैं, इसके बावजूद नियंत्रण नहीं पाया जा रहा है। शासन व प्रशासन द्वारा जगह जगह रैलियां निकाल कर प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अगर इन्हीं रैलियों में ध्वनि प्रदूषण के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाए, तो इस पर नियंत्रण पाने में कुछ आसानी हो जाएगी। आज खुलेआम लाउड स्पीकर लगाकर फल बेचे जा रहे हैं। ट्रक, टेम्पो, ट्रैक्टर आदि वाहनों में अश्लील गाने तेज आवाज में खुलेआम बजाए जा रहे हैं। हर खुशी में डीजे बजाना फैशन हो गया है। इन प्रदूषण से आम जनमानस परेशान है, इसके बावजूद इस पर जागरूकता व सख्ती न किया जाना आश्चर्यजनक है। क्षेत्रीय लोगों ने जिला प्रशासन से ध्वनि प्रदूषण पर जागरूकता व सख्ती करने की मांग की, ताकि आम जनमानस शांतिमय जीवन व्यतीत कर सके। रखने के लिए सरकार द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है वह सराहनीय है। पॉलिथीन पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सबके लिए विष के समान है। इसका त्याग हम सभी को स्वेच्छा कर देना चाहिए। साथ ही साथ पॉलिथीन से ज़्यादा तेज ध्वनि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। जो बच्चे, वृद्ध, पशु, पक्षी, बीमार सभी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है और इससे पूरा समाज परेशान है। इस पर भी प्रभावी रोक लगानी चाहिए। परंतु शुद्धता के लिए इतना प्रदूषित हो रहा है पॉलिथीन के माध्यम से, ध्वनि प्रदूषण के माध्यम से और गैस के आ जाने के कारण जो है वो धुएं का प्रदूषण कम हुआ है। ऐसे में हर व्यक्ति स्वप्रेरणा से पॉलिथीन को समाप्त करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के लिए जो है गाड़ी घोड़ों का प्रयोग और ऐसे जो है वो वाहनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे ध्वनि में जो है वो अति साइलेंसर युक्त जो है हो। और दूसरी चीज़ जो है वो हमारी न्यायालय में जो डीजे आज पर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर जो प्रतिबंध लगाया है यह बड़ी उचित कदम है। आज हम लोगों को स्वप्रेरणा से पर्यावरण की रक्षा करनी है और पर्यावरण की अगर हम रक्षा करेंगे तो हम इस वातावरण में पल रहे ग्रीन और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए हम अति सुखदायी